वेलकम टू सोर्सफुल कुकिंग एंड माइंडफुल ईटिंग। आज की जो डिश है वह एक कश्मीरी डिश है जिसका नाम है अल यखनी। कश्मीर में अल को बोलते हैं लौकी और जो कर्ड करी है उसको बोलते हैं यखनी। ये जो डिश है नॉर्मली जो कश्मीर में बनाते हैं इसमें लौकी को डीप फ्राई करके बनाते हैं, लेकिन चूंकि आजकल सब लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं इसको मैंने शैलो फ्राई करके बनाया है। लेकिन आप विश्वास रखिए, चाहे आप इसको शैलो फ्राई करें या इसको डीप फ्राई करें, इसका जो फ्लेवर है, इसका जो एरोमा है वो उतना ही अच्छा होता है। लेकिन ये है, अगर आपके पास में टाइम है तो आप इसको शैलो फ्राई करके बनाइए, और अगर आपको जल्दी है बनाने की तो आप इसको डीप फ्राई करके बनाइए। और ये जो डिश है ये सब लोगों को बहुत पसंद आएगी, और मुझे विश्वास है कि जो लोग लौकी नहीं खाते हैं ना वो भी इसको बहुत पसंद करेंगे। तो आप इसको बनाइए और फिर मुझे बताइए कि आप लोगों को ये डिश कैसी लगी। लौकी को मैंने छील के गोल गोल आकार में काट लिया है, आप चाहो तो रेक्टेंगुलर या लंबा भी काट सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि जब आप इसको काटेंगे तो ज़्यादा पतला नहीं काटें, क्योंकि जब इसको अपन शैलो फ्राई या डीप फ्राई करेंगे तो ये साइज़ में आधी रह जाएंगी। दही, बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटी हुई प्याज और बारीक कटी हुई लहसुन, आप चाहो तो अदरक और लहसुन को ग्रेट भी कर सकते हैं या उसको कूट भी सकते हैं। इसमें जो मसाले लिए हैं वो 90% खड़े मसाले हैं, हरी इलायची, दालचीनी, लाल मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, काली मिर्च, पिसे मसालों में पिसी सौंफ, नमक, हींग पाउडर। आइए तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे एक पैन, उसके ऊपर डालेंगे 1 से 2 छोटी चम्मच सरसों का तेल। अब इसके ऊपर जो आपने कटी हुई लौकी है उसको रख देंगे। आपको इसको दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन करना है लौकी को। जब तक लौकी नीचे से गोल्डन ब्राउन हो रही है, जो ऊपर का पोर्शन है उसके ऊपर भी 1 से 1.5 छोटी चम्मच तेल डाल दें और उसको अच्छे से स्प्रेड कर दें। याद रहे जो फ्लेम है आपको उसको मीडियम रखनी है। आइए अब चेक करते हैं कि लौकी गोल्डन ब्राउन हो गई है क्या। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई है। इसी तरह से आप जो दूसरा साइड है उसको भी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। एक साइड से गोल्डन ब्राउन करने में 3 से 4 मिनट लगते हैं। यह डिश आपकी परफेक्ट बने इसके लिए मैं आपको 2 टिप दे रही हूँ। पहली टिप ये है कि जब भी आप लौकी खरीदें तो ध्यान रहे कि उस लौकी में सीड्स नहीं हो, और अगर सीड्स हैं तो पहले आप उसको डीसीड करिएगा, उसके बाद में आप उसको शैलो फ्राई या डीप फ्राई करिएगा। दूसरी टिप यह है कि इसमें आपको जो ऑयल यूज करना है वह आपको यूज करना है सरसों का तेल, क्योंकि जो सरसों का तेल है वह इस डिश में बहुत ही अच्छा एरोमा और फ्लेवर देता है। आप बनाएंगे यखनी यानी कि इसकी कर्ड करी। सबसे पहले पैन लेंगे, इसमें डालेंगे दही, जितनी लौकी है उतना ही मैंने दही लिया है। इसको अच्छे से चलाएंगे। अब इसमें डालेंगे मसाले, लाल मिर्च, हींग पाउडर, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी और हरी इलायची। मैंने सब 2-2 टुकड़े लिए, लौंग 4 से 5 लिए, बाकी सब चीज़ें 2-2 टुकड़े लिए। सौंफ पाउडर 1 बड़ा चम्मच, अदरक और लहसुन का पेस्ट अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके इसमें डालेंगे नमक। अब आपको उसको कंटिन्यूसली चलाना है जब तक कि बॉईल नहीं आ जाए। अगर बीच में छोड़ देंगे तो दही फटने का डर रहेगा। अब आप इसको ढक के रख दीजिए। अब देखिए ढक के रखने के 5 मिनट बाद ग्रेवी अच्छे से तैयार हो गई है। अब इसको आप छान लेंगे जिससे कि खड़े गर्म मसाले अलग हो जाएंगे। अब इसमें डालेंगे तली हुई लौकी, जो शैलो फ्राई लौकी है। अगर आपको लगता है दही गाढ़ा है तो उसमें आप थोड़ा पानी डाल दीजिएगा। अब इसको ढक के रखेंगे 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। अभी 10 मिनट हो गए हैं, चेक करते हैं कि लौकी गल गई है क्या। अभी थोड़ी सी कसर बाकी है, मुझे लगता है 2-3 मिनट में रेडी हो जाएगी। जब तक लौकी रेडी हो रही है अपन ये जो प्याज है इसको डार्क ब्राउन कर लेंगे, उसको गार्निशिंग करने के लिए रोस्ट कर लेंगे डार्क ब्राउन। ये देखिए रेडी हो गई है आपकी प्याज। अब अपन करेंगे डिश को गार्निश। अब इसको फाइनली जो गोल्डन ब्राउन प्याज है उससे गार्निश कर देंगे। अब आपकी डिश रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लगे हाथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। डिश बनते बनते 1 पल 2 कांच।